तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको सीधा पांड्या स्टोर। ओहो, कितनी बार कहा है मैंने, यहाँ नहीं करते हम शॉपिंग, यहाँ से तो हम आपके लिए लेकर आते हैं पांड्या परिवार की कहानी। तो चलिए देखते हैं कौन लेकर आ रहा है आज हमारे लिए एंटरटेनमेंट वाला प्रिस्क्रिप्शन। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में धारा हो रही है इमोशनल। असल में रिश्ता को हो गई है गलत फहमी और इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई है। इस बात पर धारा बेहद दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि उसका परिवार फिर से टूट रहा है। हालांकि गौतम धारा के इस दुख में शामिल हो जाते हैं और उसे चीयर अप करने की कोशिश में लगे हैं। अरे क्यों नहीं आई थी? जरूर आएगी। तू ना उसका फेवरेट खाना कल बना के पैक कर देना, मैं देव को बोलूंगा उसको दे दे, और उसको साथ में ये भी बोलूंगा कि हम सब जा रहे हैं सी साइड पिकनिक के लिए, तो मानेगी, जरूर मानेगी। ये तो क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? अरे तुम औरतों ने ना हम मर्दों को ऐसी बदनाम कर दे रखे हैं। औरतों को भी दिल का रास्ता पेट से होकर निकलता है। तुम्हें काम करना, जब कल पिकनिक कर लेंगे ना उसके बाद तुम लोग इधर उधर घूमना, मैं और देव जाके घर पे आके नर्सरी सेटअप कर देंगे, फिर रिश्ता को देंगे सरप्राइज। आज ये हो रहा है कि रिश्ता घर छोड़कर चली गई है, देव भी चला गया है, देव उसे छोड़ने गया है, पर पता नहीं देव का दिमाग थोड़ा डगमग डगमग हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वाइफ है, मिस कर रहा है और प्लस प्रेग्नेंट है तो डबल मिस कर रहा है। गौतम कहीं ना कहीं सारी चीज़ें यू नो देव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिश्ता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब बात हाथ से निकल चुकी है, मतलब बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब मुश्किल है पांड्या परिवार का साथ में रहना। अभी कुछ रिश्तों में दरार आ गई है जो कि अंबुजा सीमेंट या कोई ऐसा कुछ सीमेंट होएगा तो शायद भर जाए, लेकिन अभी उसको वक्त के साथ शायद भरे। तो क्या तुम्हें भी लगता है कि धरा है वो दरार? नहीं, दरार तो नहीं है, धरा ने पूरी कोशिश की थी कि वो दरार को मटाने की। धरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डोर है। आज के सीन में भी मैं अपना एक डायलॉग बोलता हूँ, पर मेरी वजह से तो टूट गया परिवार। नहीं, वो हमारे टीआरपी की वजह से क्या कहते हैं वो क्या, तो धरा वो डोर है, जब भी तनाव आता है। I love your honest confession. तो बस वही है कि तनाव आता है तो उस पूरा खानदान हिल जाता है और गौतम तो बिल्कुल हिलता है क्योंकि धरा बीवी है, और बीवी अगर जरा से तनाव में होती है तो आदमी की लाइफ में भी तनाव आ जाता है। सो वी आर वेरी तनावफुल, जैसे रिश्ता तनाव में आई तो देव को तनाव में आना पड़ा, ऐसे यहाँ पे लड़कियों के चक्कर में हम मर्दों को वैसे ही तनाव हो रहा है। अच्छा है, तनाव है तो सब कुछ है, तनाव नहीं होगा तो तनाव जितना होएगा इज इक्वल टू टीआरपी। पहले रोना होता था, अब रोते रोते ऑडियंस बोर हो गई है, तो अब इसलिए तनाव इज इक्वल टू टीआरपी। वो मुझे नहीं मना रहा है, कहीं ना कहीं हम दोनों की कोशिश है कि हम रिश्ता को कैसे भी करके मनाकर वापस घर ले आए, तो जहाँ पर ये यू नो एक छोटा सा सेटअप करता है, बिकॉज रिश्ता को सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसको बहुत खुश कर जाती है, तो कहीं ना कहीं गौम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स प्लान अ पिकनिक और लेट्स प्लान समथिंग, जिससे कि यू नो रिश्ता और जो कुछ भी घर में जितना भी तनाव हुआ है वो सब भूल कर हम थोड़ा आगे बढ़े खुशियों की तरफ, सो दैट शी कैन कम बैक इन द फैमिली। कहा, किसने कहा आपको ये? आपको गलत फहमी है क्योंकि जब जब आप आते हो ना तो हो सकता है वो टाइमिंग ऐसी होगी कि मैं सीरियसली आपके सामने से निकल रहा होता हूँ, लेकिन ये लोग सब लोग मेरी हंसी से बहुत परेशान है। डूड, ही इज द फनीएस्ट पर्सन आफ्टर अक्षय, आई वुड से। नहीं, आफ्टर अक्षय नहीं, नो वन कैन बीट अक्षय। मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन मी एंड अक्षय, वो तो एक्सट्रीम है, मैं तो अभी सिर्फ मतलब उधर ना कि मेरी प्रॉब्लम। नो किंशोक, यू बोथ आर ईच अदर्स गिल्टी प्लेजर, प्लीज कन्फेस। प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे साथ क्या होता है ना कि कोई भी कुछ भी बोल दे, ठीक है, जैसे बीच में कोई छेड़ देता है, जैसे कवर छेड़ देगा या अक्षय कुछ ऐसे बोल, अक्षय मोस्टली अक्षय के साथ तो सीन मतलब सामने सामने शूट करना भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि इतनी हंसी आ रही होती है, तो मेरे को भगवानों के नाम फिर मेरे मरे हुए सारे रिश्तेदारों को याद करना पड़ता है कि मतलब होता है ना उस टाइम पे कि बस हंसी कंट्रोल हो जाए, नहीं तो शॉर्ट कट ना हो जाए। आज तो लिटरली हम लोग बेड पे जो सीन कर रहे थे जिसमें तीनों भाई बेड पे थे, तो ऐसा कुछ हुआ था कि हमें तीनों को हग करना है, तो जिस तरीके से हग किया उसके बाद जो हमारी हंसी छिड़ी है मेरे को, मैं बेसिकली मैं बताती हूँ किंचुक ने क्या किया। किंचुक को कुछ लाइन्स बोली थी देव को, तो गौतम लाइंस बोलता है और उसके बाद उसको सो जाना था,
वो जिस तरीके से अक्षय के ऊपर सोया ऐसे पूरा हाथ करके तो हमारे डायरेक्टर सर कहते हैं ओए सुर उसकी बीवी की एब्सेंस मतलब उसकी बीवी की कमी पूरी नहीं करनी है तुझे भाई ये तेरा बीवी नहीं। मैंने एक्चुअली यही सोचा था कि हम लोग जब ओरिजिनल अक्षय मतलब देव मोहित उनके रूम में मैं जाता हूँ ना तो उनका हम तीनों एक ही बेड पे फिट हो जाते हैं। कितनी बार हम लोग साथ में सोए हैं और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने सोते सोते एक दूसरे के ऊपर हाथ भी डाल दिया हो जो कि पैर भी डाल दिए हाँ कि दुनिया उसको गलत ले लेकिन भाइयों के बीच ब्रदर्स या ब्रदर्स तो वो चलता है। अरे रोज ही होता है यार कई बस जहाँ पे अक्षय होएगा वहाँ पे तो मुझे तो लगता है कि जहाँ पे तू होएगा वहाँ पे भी अच्छा मतलब मैं और अक्षय ठीक है वहाँ पे फनी आई थिंक दीस टू पीपल आर द मोस्ट फनीएस्ट ऑन सेट अक्षय एंड किंशुक एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बोथ ऑफ देम इज के हम हंस भी देते ना तो ये लोग कभी बुरा नहीं मानते। हाँ सही बात है बुरा मानने के क्या हम अपने आप पे हंसते हैं बेचारे खुद भी हंस लेते हैं हमारे साथ साथ ऐसा नहीं कि मेरी इज्जत बेइज्जती हो रही है तो मैं क्यों हंस रहा हूँ बेइज्जती में शामिल हो जाते लेते ही नहीं है हम खुद हंसते रहते हैं। मतलब ये होता है कि बहुत प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शॉर्ट के टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग या तो है कुछ बहुत सारी चीज़ें कमियाँ हैं।